क्या आप भी रहते हैं अपने स्किन और बालों को लेकर परेशान? तो आज ही आइए SMS फार्मेसी और मिलिए डॉक्टर बी के शास्त्री, जिनसे मिलेगा आपको त्वचा और बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान। तिल, मस्से एवं गुप्त रोगों का विशेष इलाज किया जाता है। हमारा पता है कॉन्वेंट चौराहे के बगल में अटल सामुदायिक भवन के सामने, बिलौजी बैरन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 7000529189009396655। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका पुल खोल पोस्ट में। मैं हूँ शिवम गुप्ता और आज हम हैं मेढ़ौली क्षेत्र में। आपको बता दें, सिंगरौली ज़िले के मेढ़ौली क्षेत्र में, जैसा कि देख सकते हैं, हम वही फिर से मुद्दा लेकर आए हैं रोड को लेकर। और जैसा कि लगातार हम आपको बताते रहे, जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, अगर बात करें सिंगरौली ज़िले की रोडों की, बहुत ही दयनीय स्थिति है और यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और इसी बीच एक आपको बताते हैं, इसमें ट्विस्ट आया है, नया मोड़ आया है इन सड़कों को लेकर, कि इनकी इनका जो मरम्मत कार्य है वो चालू होने जा रहा है। लेकिन आपको साथ ही ये बता दें, ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले मरम्मत कार्य किया गया था। यहां पर रोडों की खुदाई की गई थी और उसे बनाया गया था, लेकिन जो बनाया जा रहा है, किस हिसाब से बनाया जा रहा है, क्या जो भी ये खाना पूर्ति हो रहा है या बस दिखावा है? क्योंकि जैसी रोड की हालत है, अभी की हालत है, वो बहुत ही गंभीर है। और जैसा कि देख सकते हैं आप, जो भी रोड है पूरी कीचड़ से सना जा चुका है। और यहाँ से आने जा रहे हैं लोग, जैसा कि सामने अभी आपने देखा, वो जो टू व्हीलर था वो अभी फिसलने से बच गया और इस जो ट्रेलर है इसके अंदर आने से बच गया। और इसी के साथ आपको और भी दिखाते हैं, आप इधर दिखाएं। और ये जो रोड है, रोड की जो हालत हो चुकी है, पूरी तरह कीचड़ से सन चुका है और बहुत ही दयनीय स्थिति बनी। लेकिन जो अभी मरम्मत कार्य है वो किस हिसाब से होना है, क्या होने जा रहा है, उसको भी लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे साथ एक यहाँ से गुजर रहे टू व्हीलर वाहन वाले हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार साहब। तो आते जाते रहते हैं आप, रोज का काम? रोज का नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर? क्या कहेंगे, डस्ट बहुत ज्यादा है, दिख ही रहे हैं। तो जैसा कि अभी खुदाई चल रही है, खनाई चल रही है इसकी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कि कुछ आशा है कि ये जो रोड बन रही है तो अच्छी बनेगी? उम्मीद तो यही है, बने, अपना बने, हाथ में है। और साथ ही ये बताइए, जैसे कि रोड की जो हालत कर दी गई है खुदाई के दौरान, इसके बाद जो बनने, इसके पहले भी ऐसी कुछ पहल की गई, बनाने की पहल की गई थी ऐसी? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बराबर कंटिन्यू इस रोड से नहीं गुजरता हूँ, महीने में एक दो बार तीन बार। अगर जब आप गुजरते हैं यहाँ से तो आपको क्या डर लगा रहता है, क्या आपको लगता है? डर तो लगता ही है, इतनी गाड़ियाँ चल रही है, इतना डस्ट है, एक्सीडेंट के चांसेस, हाँ वो बनी रहती है। तो चलिए, इसी के साथ अब हम बता दें आपको, इसी रोड से जब हम गुजर रहे थे तो हमारे साथ दो बुजुर्ग, जैसा कि आप दिखा सकते हैं इन्हें, क्या उम्र है आपकी? अब भाई 60-80 होगा भाई। आपका? वो तो ना भल होई। मतलब 60 से ऊपर हैं आप लोग। हाँ। तो किस कंपनी में काम करते हैं आप? कंपनी देखिए, ठेकेदार हो। ठेकेदार है? हाँ ठेकेदार है। हाँ ठेकेदार लेता है तो पैसा वो खाता है, मुंशी करके, ठेकेदार करके। और तुमको जूते वगैरह या सर के लिए कुछ प्रोटेक्शन वगैरह? कुछ नहीं, 200 रुपया मिलता है, बाकी का करी। कितना घंटा काम करना पड़ता है आपको? अब 8 बजे आते हैं, 8 बजे ले है, 5 बजे जा। तो जैसा कि आप बोनस मिला था ना, और फायदा जोन काम करे थे वो करो, नफा फायदा नहीं मिले, पूरा पैसा नहीं मिला। 200 मिलता है का, 200 रोज आओ थे का मंजूरी। तो देखिए, जैसा कि ठेकेदार की बात करें तो इनका शोषण किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। और बता दें, सबसे मेन मुद्दे की बात जो है कि अगर रोड बन जाए तो यहाँ पर इनको इनको इतनी ज़्यादा जिम्मत उठाने की ज़रूरत ना हो, इतने ज़्यादा परेशानी इनकी ना हो, अगर रोड प्रॉपर तरीके से बन जाए। और वैसे भी शक्ल आप देख सकते हैं, शक्ल पूरी तरह कोयले से भर चुकी है और ना तो, अब बता दें ठेकेदार द्वारा ना तो इनको शूज़ प्रोवाइड किया गया, सेफ्टी शूज़, ना ही इनको हेलमेट प्रोवाइड किया गया है, ना ही फेस पे मास्क या फिर ऐसा कुछ कवर करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो धूल आ रही है,
केवल ये दे दिया गया है, वो भी पता नहीं कितने सालों की होगी। ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी बहुत बुरी हालत बन चुकी है और ये ठेकेदारों द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है इनका। और इनकी उम्र नहीं है कि ये कार्य करें, और केवल 200 रुपए पूरे दिन इनको काम करना होता है और केवल 200 रुपए दिया जाता है। तो आप बहुत बड़ी विडंबना इस रोड के साथ साथ, और जो यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं ये बुजुर्ग लोग, इनका भी बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। जीपी पैलेस ऑफरिंग यू फॉर द पार्टी, लंच, डिनर एंड स्टेइंग सर्विस विद अफोर्डेबल प्राइस। मनाइए खुशियों के रंग जीपी पैलेस के संग, जहां आपको मिलता है बर्थडे, रिंग सेरेमनी, एनिवर्सरी, मैरिज और भी पार्टियों के बेहतरीन इंतजाम। सो बुक योर पार्टी नाउ। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें विंध्यनगर वेढ़न रोड, वेढ़न सिकरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो। आप भी हैं ब्रांड के शौकीन, तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जींस, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान, हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड, नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टेक्ट नंबर 6261237045, 7225877048। चाय हर घूट में बेहतरीन एहसास, इसी एहसास को बरकरार रखता है जीतू टी स्टॉल, जिसका हर घूट कराता है ताजगी का एहसास। पता है जीतू टी स्टॉल, मोरबा बस स्टैंड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7024082306। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।